तो उठ के दो मैं जा रहा था, उठ के मैं वापस बुलाया इन्होंने पकड़ पकड़ के, मैं तो यहाँ पे करना ही चाह रहा था, नहीं, मैं तो उठ के जा जाने रहा। को मसला नहीं है, उसके जाने को मसला नहीं है, इसका मजीद बात बढ़ने वाली बात है ना। उठ के जाना, एक बात को सीधी तरीके के साथ खत्म करें, मोहब्बत प्यार के साथ भाई रहते हैं, आप मोहब्बत शोज प्यार उठ के साथ शुरू से देख रहें। लीजिएगा, मैंने तो कोई बात ही नहीं की है, इन्होंने आते रोना पीटना डाल दिया सेट पे आके, वहां बाहर बात हुई है वहीं पे खत्म कर भाई दें, मुझे इन्होंने कहा अब कि जाके ना ब्रेक है, घर मैं में माफी अंदर आ मांग रही हूँ, लेंगी। मुझे क्या पता ब्रेक नहीं है, मुझे तो मैं तो समझी थी ब्रेक हो रही है। रोज जी जी ज्यादा ना बोला, ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम पैदा होती है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, अगर वो बात आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो मैं भी फोन बंद कर देता हूं अभी, या मैं भी आप लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दूं, कि सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाने वाली बात क्या है। तरीके से बैठे, तरीके से बात करें। अब आप लोगों के मामले ये छोटे बच्चे सुलझाएंगे जिनके आपके साथ बैठे हुए हैं। चलें, शुक्रिया शबी साहब, आपने इनको कुछ समझाया, शायद ही समझें कुछ। क्या हाल है बताएं, इस लड़ाई का क्या हाल है, लड़ाइयां कब खत्म होंगी, कब मैं बताऊं प्यार, हल क्या है, क्या हाल है, ये कर ले शादी एक और, क्या फिर पता चलेगा इनको। ये ऐसे सोचो भी नहीं, अच्छा है इस तरह की बात कहना आसान है, ना बर्दाश्त शुक्र है कीजिए, ना, अच्छी बीवी मिल गई तो इनको संभाल ही नहीं जा रही इनसे। भाई दूसरी शादी शादी में भी से अच्छी मसले मिल सॉल्व हो सकती है। जाएंगे, अच्छा तो ले आइए आप भाई की ले अच्छी आएंगे, कोई मसला नहीं मिल है। सकती। ये ऐसे लोग होते हैं जो चढ़ाते हैं, नहीं तो तो आप हाल दूसरी खराब शादी करते हैं करने बैठ से के। क्या मसले सॉल्व हो जाएंगे, मसले और बढ़ेंगे नहीं, दोनों बीवियों में लड़ाइयां नहीं होंगी। नहीं, मजा आएगा इनको, करने आप दें। पूछे शब्बीर साहब को क्या प्रॉब्लम नहीं होती, दो नहीं बीवियों बिल्कुल नहीं होती, वो ऐसे है ही नहीं, वो इनकी तरह थोड़ी है। में उनका कोई इस वो काम अपनी से बीवी का वास्ता नहीं ख्याल है, करते वो हैं, अलग एक। बहुत केयर करते हैं अपनी बीवी की, बहुत ज्यादा करते हैं हाँ वो तो खैर मैंने देखा है कि दोनों। केयरिंग है वो, बेगम भी बहुत करती है, वो भी बहुत करते हैं। लेकिन सऊद भाई भी केयरिंग है, मैंने ये भी देखा है क्या क्या कहे कि भाई, केयरिंग, अगर तुम कहीं देर हो जाती जो है कहीं गाड़ी से उतर के पीछे देखे नहीं, बेगम गिर गई है, गाड़ी से उतरी भी है, नहीं उतरी है, तुम वो सीधे कभी देखो उस पहाड़िए को, रैम्बो को, वो तो ऐसा होता है कि जिंदगी निकलने नहीं देता था साहिबा को, अगर लोग यूं बैठे हुए ना तो बोलता था उल्टा उधर बैठे मुंह करो सामने की तरफ, लोगों की तरफ मुंह नहीं करो, तो मैं बोलता था भाई ये 200 फिल्में करने का तुझे होश आया, पहले करते ना यार, करते हैं इनको ऐसे ऐसे होते ना, इनको पता लगता है भाई। आजादी बहुत दी सारी हुई है सब पॉजिटिव दी हुई है, चीजें भी है ना, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी है, वो भी देखो। शादी करना थोड़ी मिसालें बहुत हाल है, सारी मैं भी बता सकती हूँ आपको। दो एक मिसाल दो ना, दो बैठ के मैंने तो दे रहने दी है, रहने तुम दे, दो छोड़ दे, बस रहने दे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही किसी का। नाम नहीं लेने से आपको दे भी रहे हो ना, ऐसी बीवी मिलनी चाहिए थी, कैसी बीवी हाँ कैसी, जिंदा चबा जाए वो वाली बीवी। तो है तो ये जिंदा चबाने वाली, चबा तो रही है और क्या बड़ा करेगी। चबाया, बड़ा चबाया, वाह वाह। अच्छा आपको कैसी बीवी चाहिए थी, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए थी, जवेरिया में नहीं है क्या वो क्वालिटीज, सब तो है, प्यारी है, गोरी चिट्टी, खूबसूरत है, अच्छे खानदान से नहीं, है, इनको वो चाहिए जो सुबह ड्रामेबाजियां करें इनके साथ, इनके पैर धो धो के पिए, इनके आगे पीछे घूमे, घर में भी ये हीरो ही रहते हैं, बस हर वक्त हीरो बने रहते हैं, वहां पे भाई जाते हैं ना हमारी लाहौर, हमारी अम्मी लाहौर कहती जाते हैं थी, ना। हाँ मिसाल देती थी कि चप्पो चले चंदो पिटे, हाँ चप्पो जानती किसको कहते हैं नहीं जबान को, जबान और चंदो किसको, ये पिटाई होती, जब जबान अच्छा चलेगी वो तो पिटे पीटेंगे, नहीं पीटने की दिल वो का हाल मिसाल नहीं है देख ये, रहे, ख्वाहिशें देख लेंगे, और भाई जिंदगी मिसाल भर है नहीं ये, पूरी होगी ये हर चीज ख्वाहिश, को पकड़ लेती है, जिंदगी भर पूरी नहीं होगी ये ख्वाहिश, याद तो रखिए। भाई ने एक मिसाल दी है, मिसाल वो ऐसा दी कह है भी नहीं रहे कि कभी, अगर कभी इंसान अपनी अभी शमी जबान को भाई ने कंट्रोल कहा में ना चुप रखे, बैठो, जबान को कंट्रोल में रखो ना सब ठीक हो जाएगा, आप भी अपना दिमाग कंट्रोल में रखें थोड़ा सा, मेरा तो कंट्रोल में, मैं सुकून से बैठा हूँ। अच्छा बहुत सुकून से अच्छा मुझे बैठे। बताए, मियाँ बीवी की लड़ाई कब सॉल्व हो सकती है, तब क्या हो, मियाँ कैसा रहे, बीवी कैसा, आपको आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं मियाँ बीवी की लड़ाई कब ये चाहते कंट्रोल, हैं कि हम चुप करके बुध बने बैठ रहे हैं, इनके हाथ में हमारा रिमोट हो, ये रिमोट से हमें यू चलाएं, बंद कर दें, आंखें बंद कर दें, जगा दें, बिठा दें, उठा दें, काम करवा लें, ये चाहते हैं ये तो मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ, बस आप लोग भी यही है बस ना, अब है ना, ये मर्द सारा चाहते हैं कि बीवी जो है वो कठपुतली बन जाए। तो उसके चलो जी अलावा खड़ी हो जाओ, चलो जी शादी में चलो, मेरे मेरे ससुराल मेरे घर में अल्लाह शादी है, बड़ी मासूम चलो। नन्नी है देखिए बेचारी, हर मैं ये नहीं तौबा, कहता कि हर मर्द ऐसा होता है जो अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है, ये एक वजह ये है कि माशाल्लाह शुरू से ये हीरो रहे, तो इनमें जो है एक कॉन्फिडेंस वो लेवल आ गया, ऊपर से कहते ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो अब ये समझते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, बेशक वो हाँ। कुछ भी हो, अक्सर इंसान में आ जाता है जब जब आप इस ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना, तो आप जो भी कह रहे हो तो सब समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो इनमें थोड़ा आ तुम्हारा गया। क्या मतलब है, इनमें नहीं है ये, मेरे मर्द में भी है, ये सबके मर्द, आपके मर्दों में भी होगा, अच्छा और ये मजे है की सब बात, अगर कोई बात कह रहे हैं ना कि ये कर लें ये कर लें, सब भाई ये तो कर मर्द लें, होंगे तो ऐसी बातें करेंगे ना, ये क्या क्राइटेरिया, मैं तो नहीं अपने बच्चे को ये सिखाती कि हाँ। तुम सही हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी तुम्हारी बहन भी सही हो सकती है,
मैं तो अपने बेटे को ये सिखाती हूँ। बहन भाइयों का और अलग, भाई बहन की बात नहीं है, औरत और मर्द की बात करें। इंसान जो भी सच्चा होगा वो सच्चा ही होगा। भाई इन्होंने कितनी बार ऐसा हुआ है कि 8 सालों में बड़े बड़े फैसले हुए घर घर के अंदर, जो भी चीजें होती है 10,000 चीजें, तो मैंने इनको जब भी कुछ कहा है ना इन्होंने नहीं माना। ठीक है, नहीं नहीं पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या हो गया जवेरिया, नहीं ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। खैर मैंने जो चीजें कुछ तो इन्होंने मानी नहीं, जो चीजें मैंने जबरदस्ती इनके पीछे लग के लड़ लड़ के मनवाई है आज उस पर खुश है। यानी बीवी अगर एक दफा सही मशवरा दे सकती है तो क्या दोबारा सही मशवरा नहीं दे सकती? मैं शादी से पहले ना जंगल में रहता था, मेरा घर दरख्त के ऊपर था, लटक लटक के ना रस्सियों से जाता था शूटिंग पे, मेरे तो कोई पता नहीं था, दिमाग मेरा बंद था, घोड़े के नहीं लगा होता ऐसे करके चल रहा था। इन्होंने मुझे अकल दी है। मर्द के सेंसेस में फर्क होता है कि नहीं भाई? कभी कभी ऐसा होता है कि औरत का फैसला सही होता है लेकिन कभी कभी औरत का फैसला गलत भी होता है। सिक्स सेंस मेरा बहुत तेज है। इनका पता क्या है, अगर सही है देखा सब मैंने कहा था, गलत है ना आपने किया ना, देखा मैंने आपको मना किया था, अबे भाई तो जो गलत है वो मेरे पे, ये तो है उसको जो अच्छा तो है वो मैंने किया, साथ ही रहते हैं ना, पता है आप लोग का बहुत चमची है भाई। अच्छा क्या इसका क्या हाल है कि दूसरी शादी करा दें इनकी? हाँ इनको चाहिए कि कर लें, जिस जो देखी हुई है ना इन्होंने कर लें, देखी हुई है कोई, जब मर्द बहुत ज्यादा ओवर होने लग जाए ना बिला वजह, क्योंकि जब चुप रहो जरा एक मिनट, उसकी हर बात बुरी लगती है, उसकी अच्छी बात भी बुरी है, उसका सोना बैठना उठना जागना खाना पीना बोलना। तो आपने भाई जब बुरे लगे थे तो आपने शादी क्यों की थी भाई? नहीं आप लगने लगी हूँ ना इनको, कोई और अच्छा लगने लगा होगा इसलिए। वो ठीक है लेकिन ये दूसरी शादी वाली बात, इसका प्रूफ है आपके पास कि भाई और अच्छी लगती है, चाहिए इनको पता चलेगा, इनको भाई ऐसा नहीं कि वो दूसरी शादी करेंगे। अभी तो तुम ढूंढ रही थी भाई के लिए लड़कियाँ जी, ये वाकई आप सही कह रहे हैं, आग लगाते हैं इनकी शादी कर लें, आप शादी कर लें और आप मेरी जान छोड़े ताकि मैं भी सुकून से रहूं और आप भी सुकून से। अब खड़ी क्या बस, अच्छा खड़े होने की क्या जरूरत है अब? अच्छा नहीं, बस बात खत्म हो गई। अरे बात सुनो, दूसरी शादी क्या तुम क्या चाहती हो, कोई आपको किस तरह की लड़की चाहिए? मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं एक ही से बहुत शुक्र अल्लाह का शुक्र, भाई को दूसरी शादी नहीं करनी। दिल में लड्डू फूट रहे हैं इस बात पे? नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं है, लड्डू फूट रहे हैं दिल में। नहीं मैं आपको इसीलिए कह रहा था, शो के बाद बात कर लेंगे आपकी तमाशा। नहीं आप फिर आप ये करें शो के बाद बात करें, हम लोग जा रहे हैं, हमें बेइज्जती नहीं करवानी है ऑन शो में, पूरी दुनिया देख रही है। 10 लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे शादी करने के लिए। सब भाई की शादी करवाएं हम, बिल्कुल क्या हो गया मतलब पिटवाओगी? नहीं इनको करनी चाहिए, इनके साथ होनी चाहिए ऐसी औरत, इनको बताए कैसी औरत चाहिए, बिल्कुल इनके जैसी होनी चाहिए, जैसे ये चाहते है ना बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, सीधी सादी मासूम सी घरेलू, जो आपके कहने पे चले आपके कहने पे बैठे। भाई ने ऐसा तो नहीं कहा, अगर ऐसा होता तो भाई आपको घर में बंद नहीं करके रखते। ऐसे तो है नहीं ना, ऐसी सोच है नहीं, मैं घर में बंद ही रहती हूँ। आप कहाँ कहाँ जाती हूँ मैं? भाई लेकर तो जाते हैं, हम कितनी बार मूवी पे गए, कितनी बार डिनर पे गए, और आपको चाहिए क्या? बहुत इनकी शादी से पहले पता क्या, तुम शादी से पहले मैं इनकी मिसाल क्या देता था, ये रैम्बो अगर हूँ उसको पता है, वो गवाह इस बात का, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत गुस्सा आता था ना इनको, तो एक शेर लिख के भेजती थी उस लड़ाई के मुनासिबत। हाँ, शेर को कुत्ता बना दिया आपने। हाँ। अल्लाह शेर लिख के भेजती थी। हाँ। मैं कहता था कितनी अच्छी है, देखो तो देखो ये नाराज होती है, शेर लिख के भेजती है। तुम तो गवाह हो, तुम मुझे जानती थी ना। हाँ। इन्होंने ये हाल कर दिया मेरा। अरे तुम अभी भी प्यारी हो, खूबसूरत हो, ऐसी बात नहीं है। और तुम्हें कुत्ता नहीं बनाया, कोई कमी नहीं है इसमें। इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे बैठी नहीं है, इनमें से ही किसी से बात सुनो। मैंने शेर कुत्ते की बात नहीं की है, मैंने इंसानों की बात की। और कुत्ते कुत्ते पे याद आया, रैम्बो को मिलाओ जरा, अभी मिलाओ जरा रैम्बो को, तो मिलाओ पूछो। अरे ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए क्या बच्चा होगा। शादी करवाएं अगर अगर आपको, अगर वाकई आपके अंदर इतना दम है ना, तो फिर करके बताएं मुझे शादी। हाँ तो मैं अपनी मर्जी कर लूंगा ना, डरता हूँ तुमसे। पता चल जाएगा कि आपके दिल में क्या है और मैं कैसी हूँ और आप कैसे, पता चल जाएगा आपको। दूध का दूध पानी का पानी। ब्रेक के बाद आते हैं वापस हम, मैं सुलझाती हूँ। अच्छे से शो करेंगे, आप फिक्र ना करें, बहुत हैपनिंग शो होगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यार कब खत्म होगा क्या टाइम? यार हम मुंतजर, तुम बेखबर, सुनते कानों निदा यासिर का सलाम। ये वाटर कूलर आप तीनों कपल्स में से कोई एक घर लेके जा सकता है। मुझे किचन की चीजों के नाम बताने आपने। ससुराली रिश्तों के नाम एक मिनट में जी, लड़कियों की कॉस्मेटिक्स के नाम बता दे। ये वाटर कूलर आपका हुआ।
जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आपकी जेब में अगर 100 रुपए पड़े हुए ना और आपकी जरूरत लाख की है, आसमान से टपके जमीन से निकले कोई दे जाए, आपकी जरूरत हमेशा पूरी होती रहेगी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, मिल गया हमको राह मिल गया, दिल तुझे मिल गया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। किधर क्या है कैमरा? भाई मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इसकी पेस को चेंज करूँ। वैलेंटाइन्स का वीक चल रहा है, रोजाना इतने धमाल वाले, इतने मस्ती वाले शो हो रहे हैं, आज का कुछ शो कुछ अजीब सा हो गया। या जवेरिया कह रही है कि दूसरी शादी कर ले, चैलेंज कर रही हूँ मैं। मतलब लाइक जवेरिया तुम कैसे चैलेंज कर रही हो? मर्दों का कुछ नहीं पता होता, कर भी लेंगे पता नहीं। जब आएगी ना दूसरी, जब पड़ेगी ना सर पे, पता चलेगा कि कौन औरत अच्छी और कौन नहीं है। हम तो बहुत बुरे हैं ना इनको, इनकी नजर। हो सकता है दूसरी बहुत अच्छी हो। हाँ तो कर ले फिर, मैं तो मना नहीं कर रही आपको, कर ले आप। हाय निदा, सलाम अलैकुम। आओ जरा तुम तो इधर बैठो। सलाम अलैकुम सऊद, क्या हाल है? इधर आओ, तुम तो इधर आओ मेरे पास। जवेरिया जी, इतनी देर से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। आप सऊद के ऊपर इतनी देर से मुस्तकिल इतनी बातें सुनाई जा रही है, इतनी बातें सुनाई जा रही है। सऊद हमारे मुल्क के इतने बड़े हीरो, इतने डैशिंग, इतने अच्छे इंसान, आप हमेशा इनके साथ ज्यादती करती है। मैंने आपके इतने सारे प्रोग्राम देखे। बहन तुम मेरे घर में रहती हो? बाबा मैं आपको टीवी पे देखती हूँ, जब भी देखा मैंने, जिस मॉर्निंग शो में देखा, जहाँ आप लोगों के इंटरव्यू होते हैं, हमेशा आप ही इनको सुनाती रहती हैं। और आज तो मैं सुबह से जब से प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि सऊद कितना बर्दाश्त करते हैं, कितना आपकी बातों को बर्दाश्त करते हैं। यार मतलब एक आम भी हस्बैंड होता है ना, वो भी इतनी बातें बर्दाश्त नहीं करता, और आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी। सुन लिया, लोन जी रहा है। एक होता है छोटा चम्मच ना, वो स्वीट डिश खाने के लिए, वो ये है, और ये जो है ना बड़े चम्मच खाने के लिए। बात नहीं है, मैं तो इनकी फैन हूँ, बल्कि हकीकत तो मैं बताऊँ, मैं तो इनसे, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, यानी कि तो मैं तो इनसे शादी भी करने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये क्या कह रही हो? मतलब एक बीवी जो इनको, मतलब एक हस्बैंड को बिल्कुल वो ही नहीं देती सुकून, तो क्या मतलब है? उसका हक बनता है कि अगर वो चाहे तो दूसरी शादी कर ले। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ख्वाहिशात जो पहले पूरी नहीं हो सकी, हम आज चाह रही है कि तो वो कहते ना गर्म तवे पे रोटी में अपनी सेक। नहीं, एक बात सुने, जो मैं सऊद को इतने अरसे से देख रही हूँ, सऊद इतने अच्छे हस्बैंड है, इतने केयरिंग हस्बैंड है, जो एक हस्बैंड में खाना पकाती हूँ, तुम कहाँ से देख रही हो? क्यों इतने इंटरव्यूज देखते हैं इनकी लाइफ, इनके इंटरव्यू हर चीज में नजर नहीं आता? जो इन्होंने आपको हर तरह की आजादी दी है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना के दिया है, इतना बड़ा घर बना के दिया है, तो और क्या चाहिए? चीजों पे देख जरा, इतना अच्छा और क्या है? माशाल्लाह देखे जरा, इतने शादी के बाद भी कितने अच्छे। तो आपके सारी आप भाभी की जगह ले लें, ऐसा हो नहीं सकता आपको। आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसा भी नहीं है। भाभी तुम्हारी अच्छी होती, इनका ख्याल रखती, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती। मैं तो इनके एक फैन थी कि हाँ भाई चलो अच्छा ही भाई। आप चुप क्यों हैं? हमारे तुम मेरे खिलाफ हो गई थी ना, अब इन्होंने खुद ही दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले तो मैं सोचती। वो खुद चाह रही है, मतलब जी नहीं, मैं आपको अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती। आप क्या हो गया? वो खुद कह रहे हैं इस्लाम में चार शादियां जायज होती हैं। वो कुछ भी कह ले, वो मुझे कह रही है आपको वो नजर नहीं आ रही, मुझे आप कह रहे हैं आराम से बात करो। अरे बाबा सुबह से क्या कह जा रही है, मुस्तकिल कह जा रही है। चुप करो, मैं क्या करूं? आप खुद कितनी बेइज्जती करी है अभी तक आपने सवाल सऊद की। अब नहीं, आपका मामला नहीं है, वो दोनों सुलझा लेंगे। आप क्यों वो क्या सुलझाएंगे? वो खुद बार बार बोली दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करो, पता चल जाएगा। दूसरी शादी अगर उन्होंने गुस्से में कह दिया तो आप अपना क्या मतलब है? जान में जाइए क्यों ये दूसरी शादी है ना? चुप क्यों है आप भाई? सही है, उनको भी हक है कि कभी उनको सुकून मिले अपने घर में भी, मिल जाएगा सुकून। भाभी इतनी बुरी भी नहीं है, कोई और क्या बात है? ठीक है, अगर आदमी को एक बीवी से सुकून नहीं मिलता तो दूसरी बीवी का हक बनता है कि उसको सुकून दे? कोई मसला है क्या? क्या हो रहा है मेरे शो पे भाई? ये बातें जा रही है, हो क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, खेलो बताओ मेरे भाई है। नहीं तो ठीक है, इंसान का हक होता है। आप ही तो खुद कह रही है कि दूसरी शादी कर। आप हमारे मामले में क्यों बोल रही हैं? मैं इसलिए कि मैं इनकी फैन हूँ, मैं इनको चाहती हूँ। फैन होने का चाहती हूँ, चाहती हूँ। क्या हो गया? क्यों एक इतना अच्छा इंसान आपके काबिल यही है भाई? तो भाई फैन होने का मतलब ये थोड़ी आप अपने फैनों से शादी कर लें।
आप क्या चाह रही है, आप बहुत सलीके वाली है क्या? जो ये चाहेंगे मैं इनके लिए वो करने को तैयार हूँ। इनको मैं सुबह शाम रात जिस वक्त चाहेंगे खाना पका के दूंगी, जो ये चाहेंगे मैं इनके लिए वो ही करूंगी। आप इनके पैर धो धो के पीएंगे? ये पैर धोने का कोई भी नहीं कहता, ऐसा कोई मिसाल है, ये मिसाल होती है। उसका मतलब ये होता है कि जो मियां चाहे वो औरत करे, कोई भी आजकल इतना घटिया नहीं होता। मैं कहता हूँ वाकई मेरे पैर धो और पियो, कोई भी नहीं कहता। ये भी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे, ये कभी कहेंगे कि आप मुंह से आग निकालो। क्यों, वो इंसान है, कोई वो जोकर नहीं बना रहे कि मुंह से आग निकालो या सर केबल खड़ी हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। सऊद आप कभी, अगर आप ऐसे चाहती कि भाई आपसे शादी करनी तो ऐसा होता है, या कह रहे हैं सर केबल उल्टा लटकाओ या कह रहे हैं मुंह से आग निकालो, ऐसा कोई कहता है भला? जी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो आप सोच रही कि आप भाई से शादी, क्या हो गया है? तुम तो चुप रहो, तुम्हारे पीछे रैम्बो भाई आप भी चले गए, मैं आपको परसों के शो पे रोक लेती, मुझे पता होता ये झगड़ा होगा यहाँ पे। रैम्बो भाई, हाँ हेलो, सामने हम देख रहे हैं सुबह सुबह क्या हो रहा है मेरे शो पे। ओ भाई मुझे तो परेशान कर दिया, मैं तो बड़ा, ये क्या अब यार, ये देखो ये लड़ाई होती है घरों में, तुम लोग चैनल पे लेके बैठ गए हो, अगर कोई बात हो भी गई है तो बर्दाश्त करो तुम दोनों। तुम्हें तो पता है ना कितनी वो नहीं है कि एक दूसरे की बात बर्दाश्त करो, बिना वजह की बातों पे तुमसे भी कितनी दफा लड़े बिना वजह की बातों पे, और इल्जाम मेरे ऊपर लगाया कि जवेरिया। हाँ तो साहिबा से पूछो ना, साहिबा टॉर्चर है। झूठ बोला कि मैं मेरी वजह से आप नहीं बात कर रहे, आप तो खुद नाराज बैठे हुए थे अपनी मर्जी से। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो घर की बातें हैं, ये घर की लड़ाइयां हैं, इसको लेकर के तुम टीवी पे बैठ के हो यार। अरे सुबह से आए लड़ रहे हैं, नाराज हैं एक दूसरे से, और पीछे बैठे हुए हैं, और आ तो गए लेकिन लड़ाई करे जा रहे, सुबह से लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ाई कर रहे थे तो शो पे ना बैठते ना, घर चले जाते। भाई मैं चला गया था उठ के, शो देखना उठ के गया हूँ दो दफा यार। यार ये मुझे तो समझ नहीं, मुझे पता होता मैं इधर ही, मैं कल तुम्हें सही ठीक ठाक हंसता खेलता छोड़ के आया हूँ। वही मुझे लगता है सुबह ही हुई लड़ाई या रात में हुई है बस। नहीं पता क्या, पता क्या इसमें, मैं तो ये कहूंगा कि मैं सऊद को 18-20 साल से जानता हूँ। हाँ मैं सऊद को बहुत जानता हूँ, सऊद बहुत बर्दाश्त करता है, बहुत बर्दाश्त करता है। और थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जवेरिया अपनी जुबान जरा सी कंट्रोल में कर ले। जवेरिया जबान की दिल की बहुत अच्छी है रैम्बो भाई। अब आप बहुत ख्याल करती, बहुत मोहब्बत कराची, दो दिन बाद दूंगी फिर मैं आपको। अगर सऊद भाई को भी पता है कि वो जबान की थोड़ी तेज है, लेकिन उनको पता है वो दिल की कितनी अच्छी है, कितना करती है वो। भाई जबान का नहीं, मेरा मसला है कि मैं सच बोल देती हूँ मुंह पर, इसलिए मैं बुरी हूँ। मैं दिल में बोलता नहीं है ना, दिल की मेरी सुनो ना, दिल की बहुत अच्छी है, थोड़ी सी जुबान इसकी थोड़ी जज्बाती है, ये बरबोली है, ये बात कर जाती है। इसे सोचना चाहिए कि ससुराल हो या अपना मियाँ हो या मियाँ का कोई भी रिश्तेदार हो, तो मतलब किसी वक्त कुछ बातों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। ससुराल वालों का भी ख्याल करती है, जोड़े बना बना के ले जा रही होती है, शादियां होती है वहां पे, तो इतनी पार्टिसिपेट आगे आगे। भाई दोनों हाथों तालियां बजती है, ऐसा नहीं होता है, एक ही तरफ से नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ भी होता है। अम्मी ने आपकी भी बड़ी तारीफ की, भाई की शादी की तो आपने बात सुनो भाई, सऊद भी तो करता है ना। अभी माशाल्लाह जवेरिया के भाई की शादी हुई है, सऊद अपनी शादी पे नहीं नाचा, उसकी शादी में नाचा। हाँ, ये तो मैं बता है। और मेरे साथ नहीं नाचा, इतना आगे आगे था, उसने हमें बुलाया कि नहीं तुमने जरूर आना है, वरना देखो मेरे घर में शादी है, मेरे साले की शादी है, तुम नहीं आओगे तो जवेरिया समझेगी कि पता नहीं जान के नहीं बुलाया या फला। तो हम सब गए, हम अरबाज ने भी आना था। हाँ। लेकिन होता है मियां बीवी में, हम भी लड़ते हैं, लेकिन इस तरह अगर कोई बात हो गई थी यार, तो तुम लोगों को लेके टीवी पे तो नहीं बैठना चाहिए था ना, शो निकाल लेते बाद में लड़ रहे थे। लोगों को भी तो पता चले ना कि ये कैसे हैं। भाई आप जितने फोन आएंगे ना मेरे फेवर में ही आएंगे। हाँ, क्योंकि लोगों को पता है मेरे बारे में। ये तो पहली दफा जिंदगी मिली, मैं तो जानता भी नहीं है कौन है। वो तो कुछ और ही चक्कर में है। चक्कर में क्या बात है, देख ले अभी, देख ले क्या कहा रैम्बो ने, क्या कहा उन्होंने, कहा कि उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए, उनकी जबान बहुत चलती है। और देखें औरत की जबान तो देखें आपकी भी बहुत चलती नहीं है। लेकिन फेवर में चलती है ना, अच्छी बातों में चलती है ना, गलत बातों में तो नहीं। जबान से ही काटेगी इनको, करने दे। नहीं क्यों, जबान से क्या काटेगी? देखें हमेशा मर्द का, जब मर्द गुस्से में हो ना तो औरत को खामोश हो जाना चाहिए, उसके बाद सही है, किसी को अपनी भी मनवा सकता है, औरत कभी अपनी भी मनवा। चुप कराओ, बहुत सही है मेरे।
ये क्या बात हुई, जब आप बोलती हैं तो कहते सऊद भी कहते हैं इनको कोई चुप कराओ। दूसरी शादी, अब मुझे बताओ अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो क्या होगा घर में? करे पता चलेगा, ऐसा सीधा करेगी ना, ये देखना सीधा करेगी, क्या मतलब सीधा, ये ऐसा सही करेगी। सऊद तो मैंने जब भी देखा चुप रहते हैं, ठंडी तुमने कब देख लिया? अरे हर शो में देखती हूँ भाई, अभी सारे शो देखती हूँ, देख रही हूँ। जब सऊद का शो आता है मैं तो बस टीवी लगा के बैठ जाती हूँ, जब मुझे पता चलता है सऊद का आ रहा है तो मैं तो सिर्फ टीवी देख रही होती हूँ। क्या बात है इनकी, ये पुरानी ख्वाहिशात हैं जो आज जाहिर हो रही हैं। क्या हर्ज है, तो इसमें कौन सी बुराई है? बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन आप इस वक्त बोल क्यों रहे हैं? क्या बुराई है, क्या लगती है? ये वक्त ऐसा है जिसमें आप अपनी जो है टांग बता रहे हैं, बस ये मैं मुझे एक बात बताओ, दुनिया में हीरो होते हैं उनके कोई फैन नहीं होते? तुम्हारे फैन होते हैं, घर पे बैठना कब्जा करना नहीं होता, कोई मैं कब्जा नहीं कर रही। खुद जवेरिया ने कहा है कि भाई कोई लड़की है जो इनसे शादी करेगी, मैंने नहीं बोला है, इन्होंने बाकायदा कहा है कि कोई इनसे करके तो दिखाए। अच्छा तो कर लो बहन, कर रही क्या मतलब लो, आओ करवाओ मेरी शादी, अल्लाह वो बराबर में बैठे वो कर लेंगे खुद। सीरियसली सऊद, आपको फिर मैं दिखाऊंगी कि बीवी क्या होती है और मियां क्या होता है। अरे बिल्कुल मियां भी बन के दिखाएंगी? नहीं, मैं वाकई सचमुच अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी जो वाकई अपने मियां के इशारों पे चलती है। इशारों पे चलती है बिल्कुल। सऊद भाई जरा आप लिस्ट तो बताएं बीवी की, अच्छी बीवी की लिस्ट, अच्छी बीवी की लिस्ट तो बता दें जरा। शादी से पहले मतलब एक अच्छी जिंदगी गुजारी मैंने, ऐसी बात नहीं है। शादी के बाद इनको अच्छी जिंदगी दी है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। आप मुझे डेफिनेशन तो बताएं ना, अच्छी बीवी की डेफिनेशन क्या है? अच्छी बीवी की डेफिनेशन आज मैं मर्दों से पूछना चाहती हूँ कि अच्छी बीवी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये बंद मुंह बंद दूंगी हूं। चले जी, अगर आपकी माए रिश्ता देखने जाए, नहीं 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 सुनो सुनो, ना बोल सकते हैं ना, जब माए अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाए तो वो सबसे पहले ये देखे कि लड़की गूंगी होनी चाहिए, गूंगी। दूसरा नहीं, मतलब आप क्या चाहते, कभी भी ना बोले। आई ना, नहीं कभी ना बोले, अच्छा बोले, अच्छी बातें बोले ना, अच्छा बोले, ऑप्शन तो सुने अभी, आगे 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 बताएं। अब आप पहले अभी कर सकेंगे, रिस्पेक्ट करें, 100% करना चाहिए, करना चाहिए मर्द की बिल्कुल। क्या मतलब जब जब मियां आए तो खड़ी हो जाए अस्सलाम वालेकुम, अदब से खड़ी है, कौन सी इंसल्ट है? नहीं इंसल्ट नहीं, मतलब इंसल्ट है मुझे बताएं इसमें कोई इंसल्ट है? ये तो अननेचुरल है, शादी के 12 15 साल 8 साल बाद बीवी आए, आ गए आप अस्सलाम वालेकुम, सिट डाउन जी, सिट डाउन, हाथ ऊपर करो, ओके हाथ नीचे, आप जरा सा किसी कोई मजहबी स्कॉलर से बात करके पूछे कि मियां की क्या हस्बैंड का क्या रुतबा है, क्या मकान है, ठीक है वो, ठीक है पहले वो जो हमारे मजहब में वो नहीं, बीवी का भी पूछ ले, आपस में वही मान लो, बीवी का भी पढ़ लिया करे, मर्द का रुतबा पढ़ते रहते इस्लाम में, ये है कि अल्लाह के बाद पढ़ो ना फिर पता लग जाएगा, जैसा ख्याल ही करते जैसा किया जाए खुदा, बिल्कुल सुन लो बिल्कुल, क्या अल्लाह अल्लाह ताला के बाद आप किसी को सिद्धा जाहिर होता तो वो खुदा, नहीं तो अल्लाह के बाद अगर होता नहीं दिया, नहीं दिया माँ के पैरों तले जन्नत होती है, आपके बच्चों के तो बच्चे बिल्कुल बच्चे करें, बच्चों की माँ के पैरों तले जन्नत करें, बच्चों के लिए है ना, रिस्पेक्ट करें ना के लिए, वो बिल्कुल बीवी की भी करें, लेकिन पहले बीवी शोहर की करे तो फिर शोहर बीवी की भी करे ना, दोनों करें ना एक दूसरे की। आपकी शादी नहीं हुई भी? बिल्कुल मैं करूंगी तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगी, आप फिक्र ना करें, बहुत कह रही मैं इनसे करूंगी तो मैं पूछ क्या रही हूँ, बोल क्या रही हूँ, तो कर ले भाई कर ले, कर ले मैं तो एग्री हूँ, अगर मुझे तो मुझे सुन लेना और उनको क्या क्या चाहिए आप वो कर सकती हैं, और आप लिस्ट को हाथ जरा पीछे रखें, आप बहुत हाथ लगा लगा के बात कर रही हैं, हाथ ही लगा रही हो, फिल्मों में तो पता नहीं कितने कितने सीन होते हैं उस वक्त, फिर आपको तो पता नहीं क्या होता है, पैसे मिलते हैं, अच्छा तो पैसों के लिए आप अपने मियां को कुछ भी करने देंगे, वेरी और कहानी खुल गई, उस वक्त इंसान कैरेक्टर में होता है, कैरेक्टर आपकी तरह, अब जवेरिया भी आपके दिल में जो शक है ना वो नहीं होता दूसरों के दिल में, काम कर रहे होते क्या हो गया आपके, 10 लोगों के सामने कर रही हूँ, आप अच्छा, तो पता नहीं कितनी ज्यादा पॉलिसी, वैसे घूम फिर ले कोई बात नहीं, शादी का कहते हो तो गुनाह है, बहुत अच्छे शादी, मैंने तो कभी नहीं कहा आपको घूम फिर ले, मैंने कब कहा आपको घूम, तो भाई आप यहाँ पे तो ये अगर घूम फिर रहे हैं तो सही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगा के कुछ भी कर ले, कौन सा कल्चर ले, घूम फिर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, घूमने फिरने का उन्होंने कहा एक्टिंग करें, पैसे लें कुछ भी कर लें, नहीं ऐसा कोई नहीं, अब ये तो नहीं बोला, आप तो ऐसी बातें कर रही होती है, अच्छा करवाएगी ना खानदान में, करके खानदान में क्यों भाई, अगर अपने घर में यानी क्या, नहीं क्यों खानदान में, अगर ये ऐसी बातें कर रही है तो फिर जवाब में यही सुनेंगी ना, अभी इन्होंने क्या कहा हाथ लगाए, मैंने कहा फिल्मों में करते हैं तो इन्होंने कहा वो तो एक्टिंग के पैसे मिलते हैं, तो आप तो बेशर्मी से कर रही है ना, मैं तो कोई बेशर्मी से नहीं, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बेशर्मी, आप ऑनियर शो में कह रही है मेरी शादी करवा दो, ये ये कोई बेशर्मी है, तो ये आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, अब से कितने हजार साल पहले लड़की अपनी शादी के बारे में
डिप्रेशन से कोई बात नहीं हुई एक काफी आप अगर आप इतनी शोर की मत बोले ये मेरा और इनका वो भाई है के बारे में वही तो चाहे चुप बोल रही है आप सब जब तो बोलते हैं वो आप गैरों की क्यों बोल रही है उनसे बोली वो मुझे जवाब देंगे बोलूंगी ना मैं उनकी बहन तो बहन का यक नहीं होता क्या वो हर बीच में बोलने लगे अच्छा तो आपका हक बड़ा बनता है बीच में बोलने वाली वो काफी नहीं है रमशा रमशा बोलने दो ये सबको चुप करा रही है ना इनको भी ऐसी चुप कराएगी पता चल जाएगा आपको भी बड़ी कोई बन रही है ना मुझे चुप किया हुआ पहले से वो मत चुप सही ओहो चुप बड़े मासूम है बिल्कुल सही कह रहे हैं बात सुने एक मिनट मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है और मियाँ बीवी की लड़ाई ऐसी होती है एक्सट्रीम पर जाती है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे लोग आके उसमें और आग लगाए और उसको और भड़काएं और मैंने बुलाया इनको आप जैसी बात कर रही है मैंने बुलाया क्या नहीं मैं आपको तो नहीं कह रही ना पता भी नहीं पहले मैं इनको कह रही हूँ जिंदगी में मैं आपको तो कह ही नहीं रही ना मैं कुछ नहीं कह रही जवेरिया ने कहा कि भाई कोई है दुनिया में जो इनसे शादी करे तो मैंने कह दिया बीवियां तो ये गुस्से में कहती रहती है सिर्फ उनके लिए लाइन नहीं लगेगी लाइन यहाँ भी लगेगी ये भी सुपरस्टार है पाकिस्तान की और इनके भी बहुत दूसरी कर सकता औरत नहीं कर सकती आप नहीं वो हम बात कर ही नहीं रहे छोटे हैं भी छोटे ही रहे और एक के होते हुए पूरा ये बात नहीं पता कि औरत एक के होते हुए दूसरी नहीं कर सकती आप तो इसके होते हुए कर सकते हैं वो तो नहीं कर सकती ना नहीं नहीं तो कर लो ना तुम शादी आप सौतन बन के आना चाह रही हैं आपका मतलब क्या है मैं सिर्फ सऊद के फेवर इनके दिमाग में ये हो नहीं सकता जो आपके जहन में बसा हुआ है ना वो हो नहीं सकता वो पूरा होगा ही नहीं पंजाबी लोगों की हिरत में जाए भाई आप उनके फेवर में क्यों बोल रहे आपको हो क्या क्या किसी मैं सऊद के फेवर में बिल्कुल बनाना चाहती हूँ आई समझ आपको पागल ही लग रही है और कुछ नहीं आप करेंगे शादी इससे अगर ऐसा टेंशन नहीं हुई तो भाई क्या हो गया है क्या क्या कह रहे क्या ब्रेक लो भाई क्या ब्रेक पे जाओ कह दिया कुछ और ही कहानी आ रही है कह दिया रिपीट करके देख लेना प्रोग्राम में बारह ऑनियर चला गया जो आपने कहा है भाई क्या रिपीट कर लिया क्या हो गया गंदी बात कर दी मैंने शादी करने को कहा है ना आप लोग भाई सुनते रसूल शादी मुझे तो कसम से कुछ समझ ही नहीं आ रही है भाई को हो क्या क्या है भाई सही है आपकी तबीयत ठीक है भाई को पानी पिलाओ यार क्या हो गया आपको ब्रेक और सलमान आप देखे तो एक बार ऊपर से ब्रेक लो और सलमान को भेजो भाई क्या हो गया ये कुछ अलग ही कहानी हो गई है सुबह एक सेकेंड इधर कुछ नहीं है एक सेकेंड भाई एक कॉलर का फोन आया है हाँ 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 एक मिनट एक कॉलर का फोन आया है जिसको मशवरा दिया है कि आप देखें लड़ाई झगड़ा खत्म हो सकता है अगर कोई एक पार्टी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले लेकिन अच्छा सुने तो सही अभी हम प्लान नहीं करें उस कॉलर ने मुझे आइडिया दिया है ठीक है अभी हम प्लान नहीं करें ये जो आई है ना इनके साथ मिलकर आप जगीरिया को जनाएं
और जब जल जाएगी ना वो, उसका सारा भरम सारा ईगो खुद ही टूट जाएगा। रमशन तुम और मैं अब सौरभ भाई की साइड हो जाते हैं। अब वो जगीरा को कुछ फील होगा कि वो अकेली रह गई है। आप देखिएगा ना हम करेंगे क्या, आप देखिएगा। मैंने अभी अभी चीजें मंगाई हैं, आप अब आप फिक्र नहीं करें, ठीक है? अब लड़ाई सुलझ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? अब बस थोड़ा सा हल्का, ठीक है? हल्का मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं। प्लानिंग में मिल जाए आप, साथ के साथ मिल जाए। मेरे साथ हैं दोनों। आप हाँ, मैं नहीं लड़ सकता भाई उनसे। अच्छा आप इसके साथ मिल जाएं बस, मैं अब आप ठीक है चल। हो गया बेटा, क्या हुआ बस? कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, अब शो करते हैं प्रॉपर, अब शो शुरू करते हैं, ठीक है ना? अब इंटरव्यू जिस तरह मैं गेस्ट का करती हूँ, तो मैं एक ऐसे कपल का इंटरव्यू कर रही हूँ जो जिनकी बात पक्की आज हुई है, और जवेरिया ने ऐलान किया है कि साउथ भाई दूसरी शादी कर रही है। मतलब अब अभी होगी ना, मतलब अब पूछते हैं ना इन लोगों से। चलो हाँ भाई, अच्छा आप दोनों क्या हो रहा है, आप दोनों जो है शादी जब करना चाहेंगे तो आपको आप कैसे चाहेंगे कि जोड़ा आपको कैसा होना चाहिए, किसका जोड़ा पहनना चाहिए, कैसे रंग का जोड़ा? साउथ भाई आपको कौन सा कलर पसंद? क्या हो गया निदा, सुनो ना आप, क्या सही है ना जवेरिया? लेकिन देखिए मैं एक चीज करना चाहूंगी, आपको भाई के लिए अपना ये गेटअप वगैरह चेंज करना होगा, जैसे भाभी रहती है ब्लैक कलर के बाल करा लो ना, आपको चेंज करना होगा थोड़ा। सब भाई कैसे रंग का जोड़ा पहनना चाहिए? भाभी नहीं मान रही है शादी पे, क्या क्या हो रहा है? कहाँ लेके जाएंगे साउथ भाई? इटली ले जाए, मिलानो, वेनिस, मिलानो, स्विट्जरलैंड। लेकिन भाई ज्यादा अर्से के नहीं जाएगा। साउथ भाई आपको वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पसंद है या ईस्टर्न? किस तरह के कपड़े पहने हैं? साड़ियाँ वाड़ियाँ पहने, क्या करें? कुछ भी पहन ले, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग तो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे और मैं तो कुछ भी पहन लूँ अच्छा लगेंगे, इनको अच्छी लगूंगी, ये कुछ भी पहन ले मुझे अच्छे लगेंगे। और फिर देखें हम लोग की तो माशाल्लाह हाइट भी मैच करती है, हम लोग तो उम्र भी अच्छा लगेगा, उम्र भी मैच करती है, सब कुछ मैच करते हैं, बस एक दूसरे के साथ मैच करेंगे हम लोग। फिक्र क्यों है यार, तुम रिमेम्बर वापस इंटरव्यू देना, आपकी साइड इंटरव्यू भाई, डर के हमारे सब डरते हैं। अब आप हम लोग का इंटरव्यू होने दें, वैलेंटाइन चल रहा है, अब हम लोग इधर प्यार मोहब्बत की बातें होने चाहिए। खराब कर दिया लड़ाई झगड़े में, अब जरा हम प्यार मोहब्बत की बात है, क्या दिखाई? अपने शादी की बात पक्की हो रही है। आज जवेरिया ने ऑनियर कह दिया है दूसरी शादी कर ले, दुल्हन भी मिल गई है, शादी करूँ आज भाई, इजाजत होती है। चलो भाई सही है, चेहरा किसने जाके ऊपर सर पे? एक मिनट, क्या हो रहा है? चलो भाई के सर पे चेहरा देखना चाह रही है ना आपके सर पे? सही है ना, मिठाई खिला, चलो अभी बात पक्की हो रही है। क्या हो गया तुमको, पागल हो गई हूँ निदा? सही है ना जवेरिया, बस अब लड़ाई तुम खत्म नहीं करोगी ना, मैं क्या करूँ, बस पागल हो गई हूँ क्या? हो गया लाओ, तुम खुद खिलाओ ना मिठाई अपने हाथ से। क्या बोला जवेरिया कि दूसरी शादी कर लो? मुझे ये मेहंदी दे, बोल कैसे बोला तुमने? नहीं तो करो ना, जल्द आओ करो, रस्म करो, चलो इसकी रस्म करना। आप मुझे मार क्यों रही हैं? आपको क्या हो गया? इसके बाद गाना बंद कर दो, इसके गाना बंद। मैडम एक मिनट, एक मिनट, छोड़ो छोड़ो, एक मिनट रुको, पैसे पैसे मारो, तुम तो यहाँ बैठे हो, छोड़ो इधर आओ, छोड़ो इसको, छोड़ो आओ। ये जरूर करना, ये जरूर करना नुमान, इससे रंग पता चलता है कि मियां कितना प्यार करता है। ये इसकी छोटी उंगली इसमें भिगो तो पता